एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का, जिसमें सबसे पहले रुक करते हैं सबसे पहली खबर पर। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ गई हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसदों के ऊपर जेल का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उसके बाद सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी बिल्कुल ढेर हो गई है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी को संजय सिंह की रिहाई की खुशखबरी भी मिली है। बता दें, आप सांसद संजय सिंह को 6 महीने बाद जेल से रिहा किया गया, जिसके बाद से वो लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। जेल से निकलने के बाद लगातार दूसरी बार संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने किया है। वहीं मुंगटा रेड्डी ने कुल 3 बयान दिए, इसके साथ ही उन्होंने उसके बाद बेटे ने 7 बयान भी दिए, ये भी कहा। वहीं पहले दूसरे बयान में उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली सीएम केजरीवाल से चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में मिला था और उसके बाद उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद फिर संजय सिंह ने कहा कि जब मुंगटा रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया था, जिसके बाद मुंगटा रेड्डी के 2 बयान और उसके बेटे के 6 बयान गायब कर दिए जाते हैं, जो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे। इस दौरान संजय सिंह ने ईडी पर भी आरोप लगाया है और कहा कि ईडी ने कहा कि हमें उस बयान पर भरोसा नहीं है। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह लगातार निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। इसके साथ ही आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, इसका भी खुलासा करूंगा। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल है। मैं एक एक करके बताता हूं आप। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, जिसने कुल 3 बयान दिए, उसके बेटे राघव मंगुंटा ने 7 बयान दिए, बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए। और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया जो बात सच थी। उसने कहा, हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है, राघव मंगुंटा को जेल के अंदर रखा जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है और तब वो अपना बयान बदल देता है। 16 सितंबर पर पहली बार कार्रवाई होती है मंगुंटा रेड्डी सांसद पर, रेड होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो बयान दो बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं राघव मंगुंटा के, मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगुंटा के। कितने बयान? 7 बयान, 3 बयान बाप का, 7 बयान बेटे का। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है, उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है। उसने कहा नहीं 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 बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है, वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। 5 महीने की जेल के दौरान दिए गए बयान, ईडी कहती है इस पर हमें भरोसा नहीं है और उसको रख लिया अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, यानी ऐसा बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं था उस पर ईडी ने कहा हमें इस पे भरोसा नहीं है। हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की, बार बार कहा हमें देखना है वो बयान जो उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान दिया। ये शराब घोटाला
रुख करते हैं सबसे जरूरी और दूसरी खबर की ओर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सभी की नजर है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने यहां अधिकतर सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी 2024 के इस लोकसभा चुनाव में रालोद, सुभाषपा, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर के चुनावी मैदान में है। वही वाराणसी से पीएम मोदी लगातार तीसरी बार मैदान में है। लखनऊ से राजनाथ सिंह फिर से सांसदी लड़ने जा रहे हैं। वही जनता की राय जानने के लिए हमारे संवाददाता और केकेडी न्यूज की टीम फील्ड पर पहुंची है, जहां हमारे संवाददाता शुभम ने जनता की राय ली है। चुनावी खास प्रोग्राम का क्या बोलती पब्लिक में राय ली गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। केकेडी न्यूज की चुनाव की स्पेशल रिपोर्ट की स्पेशल कवरेज क्या बोलती है पब्लिक में, आज हम आपको दिखाएंगे लखनऊ लोकसभा की जनता से जनता की क्या है राय, किन मुद्दों को लेकर जनता करेगी वोटिंग। हमारे साथ यहाँ की ही जनता मौजूद है और जनता से ही पूछेंगे सवाल। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवचरण है। दादा, इस लोकसभा चुनाव में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो सांसद हैं राजनाथ सिंह, हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं? हाँ, लगा देंगे। सरकार जो प्रदेश की मौजूदा सरकार है, देश की केंद्र सरकार में भाजपा सरकार है, सरकार की कौन सी ऐसी चीजें जो आपको अच्छी लगती है, कौन सी ऐसी खामियां जो आपको पसंद नहीं है? सरकार की सारी चीजें अच्छी हैं, इनका शासन काल बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें इनकी जो है सब अच्छी हैं। इनसे सभी लोग खुश हैं, पूर्ण वातावरण है, इससे जो है सरकार पर सभी डिपेंड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। कहते हैं इस बार 80 सीटों में जो विपक्ष है गठबंधन इंडिया अलायंस कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ कर देंगे, क्या लगता है आंकड़े कैसे होंगे? वो तो उनके कहने से ही है, कहना हो नहीं पा रहा है। कहने के लिए बहुत कुछ करते हैं लोग, लेकिन कहने हो नहीं पाता है और ऐसा हो नहीं पाएगा। लगातार कहती है कि डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में मिलकर काम कर रही है, रोजगार, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य को लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्हीं कार्यों को गिनाकर वो जनता के बीच मतदान करने की अपील को लेकर जा रही, जनता को रुझाने का कार्य कर रही है। इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ की लोकसभा सीट में है। आपको बता दें, लखनऊ की लोकसभा जो सीट है, यहाँ के सांसद मौजूदा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। वहीं हम जनता से जानेंगे कि जनता की क्या है राय, जनता क्या सोचती है, इस बार आंकड़े कैसे होंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इसी कड़ी में उनसे बात करना चाहेंगे कि युवा क्या सोचते हैं, क्योंकि बताते हैं देश का युवा ही सबसे मजबूत स्तंभ होता है। सबसे ज्यादा जानकारी हमें युवा ही दे पाते हैं कि युवा क्या सोचते हैं। कहते नहीं है, जिस ओर युवा चलते हैं उसी ओर नए भारत का विकास होता है। हमारे साथ और भी कड़ी में कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे और पूछेंगे कि मौजूदा सरकार से युवा कितना खुश हैं, मौजूदा सरकार की कौन सी ऐसी नीतियां जो उनको पसंद है, कौन सी ऐसी नीतियां जो उनको पसंद नहीं है। हमारे साथ इसी कड़ी में कुछ लोग इनसे बात करना चाहेंगे। दादा, क्या नाम आपका? हरिचरण। दादा, लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? हम मुद्दे पर वोटिंग नहीं करते, हम तो ऐसे वोटिंग कर देते हैं। मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। डबल इंजन की सरकार ने अभी तक जो कार्य किए हैं, उन कार्यों से आप पूर्ण तरीके से सहमत हैं या नहीं? नहीं, हम तो सहमत हैं। जो कार्य हुआ तो अच्छा हुआ, जो योगी सरकार में जो इस समय हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ कुछ और भी इसी कड़ी में युवा हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं और किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? जी, अमित दुबे है। भैया, लोकसभा चुनाव लगा हुआ है, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? मुद्दे तो जैसे है, युवाओं को जैसे नौकरी नहीं मिल रही है और जो एग्जाम की जो चीटिंग निकल जा रही है लोगों की, एग्जाम जो है पेपर लीक हो जा रहे हैं, उन मुद्दों पे हम वोटिंग देंगे। कहती मौजूदा सरकार कहती है कि युवाओं के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, रोजगार, शिक्षा, सड़क, कितना आपकी लखनऊ लोकसभा अभी तक बदली है। बताते हैं कि 1991 से भाजपा का गढ़ मानी जाती है लखनऊ लोकसभा की सीट, इस बार आंकड़े कैसे हो सकते हैं? अब देखिए, बीजेपी है यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी ही आएगी। पर जो है बाकी सारी चीजें ठीक है, विकास ठीक है, सड़कें ठीक है, पर जो है कहीं ना कहीं ये जो सरकारी नौकरी और जो युवाओं को जो दिक्कत हो रही है, बच्चा दूसरी जगह से जाता है, पेपर देने जाता है, स्टेशन पे सोता है, पर जो है पेपर की नकल निकल जाती है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल से। देश का प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? वो तो नरेंद्र मोदी जी। विपक्ष को क्यों नहीं चुनना है, विपक्ष में क्या खामी ऐसी है? विपक्ष में अभी कोई है नहीं जो है देश को संभाल पाए, अभी ऐसा कोई हमको नहीं लगता है कि अभी कोई है अभी करेंटली में। और लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में आज भी सबसे बड़ी समस्या ऐसी क्या है जिसका निराकरण अभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो देखिए खरी उतरी है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बाकी सब तो ठीक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने इसी सीट से 3 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीता था, इस बार आंकड़े कैसे हो सकते हैं, युवा क्या सोचते हैं इस पर? नहीं देखिए, तो उसमें कोई बात ही नहीं है, बहुमत तो बीजेपी को ही जाएगी। बीजेपी कह रही इस बार 400 पार, क्या लगता है?
बिल्कुल बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश विपक्ष कहता है इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे, आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, साफ कहाँ हो पाएंगे, वो लोग खुद साफ हो जाएंगे। ये देखिए हमारे साथ कुछ युवा थे जिन्होंने हमसे बात कर रहे हैं और साफ और स्पष्ट तरीके से अपनी राय दे रहे हैं। युवाओं का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे? महंगाई है, महंगाई के लिए वोटिंग करेंगे। महंगाई के लिए वोटिंग करेंगे, दूसरी पार्टी देंगे। किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे, मोदी बनेंगे। लेकिन विपक्ष कहता है कि इस बार मोदी का हम सुपड़ा साफ कर देंगे। सुपड़ा विपक्ष साफ हो जाएगा, पूरा विपक्ष साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लोकसभा की 80 सीटें हैं, मौजूदा सांसद यहां के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इस बार आंकड़े बदलेंगे या वही रहेंगे? वही रहेंगे। ये थी लखनऊ की जनता जिसने हमसे बात की और साफ और स्पष्ट तौर से बता दिया है, जनता ने अपनी राय दे दी है किन मुद्दे और प्राथमिकताओं को लेकर इस बार वो वोटिंग करेंगे। दादा क्या नाम है? मैं अमित कुमार मौर्य, एडवोकेट अधिवक्ता हूँ उच्च न्यायालय में। और रही बात लखनऊ की, तो हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हमारे लखनऊ का इतना विकास करवाया है कि तो हम लोग तो और कहीं जा ही नहीं, सोच ही नहीं सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज तक की जो कार्य हुए हैं, सबसे बड़ा कार्य जो हुआ है वो हमारे लखनऊ के आउटर रिंग रोड को, पूरे लखनऊ को जोड़ने का कार्य किया गया है। इससे हमारे लखनऊ को बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, जो भी मतलब मंडियां हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी दी जाएंगी। तो इस वजह से हम लोग तो मतलब बिल्कुल ये समझ लीजिए माननीय प्रधानमंत्री की जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करने का कार्य करेंगे। लोकसभा चुनाव 1991 से लखनऊ सीट से बीजेपी का कब्जा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 5 बार यहां से सांसद बने। 10 सालों से राजनाथ सिंह यहां के मौजूदा सांसद हैं। जब राजनाथ सिंह ने पहली बार 2014 में चुनाव लड़ा था, तब से आज तक लखनऊ को कितना बदला है, कितना आगे के लिए रणनीति बना है, कितना बदलेंगे, क्या लगता है आपको? हमें देखिए 2014 से और अब तक की आप ये समझ लीजिए कि लखनऊ की एक तरीके से काया पलट हो गई है। आप जाकर के गली गली में देख लीजिए, रोड देख लीजिए, नाली देख लीजिए, व्यवस्थाएं देख लीजिए। और तो ये कहेंगे 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की जब से पार्टी सरकार आई है, तो लखनऊ ये क्या पूरा देश बदला है। आप देख लीजिए माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के, उसमें कितने हाईवेज, कितने एक्सप्रेसवेज, जो हम लोग किसान हो या कोई व्यापारी हो, उस सबको जोड़ने का बहुत अच्छा कार्य किया गया। ये सारी चीजें विकास के लिए बहुत ही उन्नति वाली। 2019 में एनडीए की 62 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, इस बार कितनी हो सकती है? अब की बार मुझे तो लगता है 80 की 80 सीटें होंगी। भाजपा का नारा है 400 पार, आपको क्या लगता है? 400 पार एकदम कन्फर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 400 प्लस भी हो सकता है। हमारे सर और भी कुछ इसी कड़ी में लोग हैं, इनसे बात करेंगे, उन राय जानेंगे। दादा क्या नाम है? सर्वेंद्र श्रीवास्तव। दादा, लखनऊ लोकसभा की जो सीट है, इस सीट से मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह हैं, इस बार क्या लगता है नतीजे कैसे होंगे? सर नो डाउट राजनाथ सिंह जी दोबारा फिर आएंगे। पिछली बार जीत का फिगर 3 लाख से अधिक मतों का था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस ने गठबंधन करके सभा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, क्या लगता है इस बार उलट फेर होगा या नहीं होगा? नहीं सर, मुझे नहीं लगता उलट फेर हुआ। पिछली बार भी युवा आए थे, जोड़े आए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। रही बात यहाँ के लखनऊ की, राजनाथ सिंह जी की बात हो या बीजेपी की, यहाँ पे एक तरफा बीजेपी का ही वोट है। लखनऊ की सबसे बड़ी आज की डेट में समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो इस समय प्रेजेंट टाइम में सीवर है, वो जो साथ काम चल भी रहा है, उसमें काफी हमारे एरिया में तो काफी अच्छा सीवर प्लांट उसमें पड़ गया है, सीवर लाइन वगैरह पूरी पड़ गई है। मौजूदा सांसद को 10 में कितने नंबर देते हैं आप? 10 में से 9 तो दूंगा ही। मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह की बात की जाए तो देश के रक्षा मंत्री हैं, जब से उन्होंने 2014 से लखनऊ के संसदीय क्षेत्र से सांसद बनकर सदन में गए हैं, तब से लखनऊ में कितना आपने लखनऊ में बदलाव देखा है, कितना बदलाव अभी होगा, क्या लगता है? बदलाव देखा है, रिंग रोड बन रही है, जो आउटर रिंग रोड बनी, आईएम रोड बना, नखास सबसे बड़ा घनी आबादी एरिया था, चौक से जाने में हम लोग को 1-1 घंटा लग जाता था। अब वो टूरियागंज जो फ्लाईओवर बनाया, बहुत बड़े स्तर पर कराया काम, और आज किसी से आप पूछ लो, वो रास्ता ऐसा था कि जहाँ साइकिल से नहीं निकल सकते, आज हम लोग 10 मिनट पहुंच जाते हैं। इस बार प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? नो डाउट मिस्टर मोदी। ये हमारे साथ ही लखनऊ की जनता, कैमरामैन सत्येन के साथ शुभम अवस्थी, केकेडी न्यूज लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं तीसरी और सबसे जरूरी खबर की ओर। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और तैयारियां भी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी जनता को लुभाने के लगातार प्रयास में है। जी हां, आपको ये भी बता दें कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए न्याय यात्रा जारी किया गया है। इस दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मैनिफेस्टो समिति अध्यक्ष पी चिदंबरम और प्रियंका
प्रियंका गांधी समेत अन्य भी शामिल रहे। वहीं इस दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 स्तंभों पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई है और इन 5 स्तंभों में से 25 गारंटियां निकलती हैं और हर 25 गारंटियों में किसी ना किसी को लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और NDA लोकतंत्र और संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहा है। ये चुनाव इन दोनों शक्तियों के बीच है। आगे क्या कुछ कहा है सुनिए इस खास रिपोर्ट में। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इस मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए 22 दिसंबर 2023 को जो चिदंबरम जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी और 19 मार्च को CWC ने इसे मंजूरी दी थी। व्यापक जनभागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है। इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी, जिस पर भी काफी सुझाव मिले। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम 1 अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे और इससे ये फायदा होगा किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और MS की कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए, ये न्यूनतम कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक
आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा या किसी के फॉर में किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जाति जनगणना करेंगे। जैसा कि एससी एसटी की जाति जनगणना होती है और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और भी ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, सबकी हालत क्या है ये जानने के लिए हम जाति जनगणना कराएंगे और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। हमारे घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे, कला संस्कृति जैसे विषय भी है। आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें उसमें हम लाएंगे। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस काम हम करेंगे। राज्य न्याय जस्टिस फॉर द स्टेट्स, मैं संघीय विकास पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी हम डाले हैं और जहां कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर को धोखा होगा हम उस वक्त अपनी आवाज उनके साथ भी उठाएंगे और जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उनको बराबरी का हिस्सा देंगे और ताकि वो पैसे के लिए तरस ना हो, चाहे वो ड्रॉट हो, फ्लड हो, डिसास्टर्स हो, इसके लिए नेचुरल डिसास्टर, इन सब के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कानून के तहत जो मदद मिलना चाहिए वो हम जरूर उनको दिलाएंगे। उसी के साथ देश की प्रतीक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय की भी खंड है जिसमें विदेश नीति भी है और विदेश नीति हमारी अब तक सफल हुई है और उसी नीति पे अगर ये लोग काम करते थे और ठीक ढंग से चलते थे और बहुत से मुश्किल हम पास जो आ रहे हैं वो कभी नहीं आते थे। तो इसीलिए हम अपना रक्षा न्याय का देश के रक्षा के लिए पूरा हम काम करेंगे। आखिरी एक महत्व का बिंदु पर्यावरण न्याय भी देंगे। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि घोषणा पत्र को बारीकी से देखें, परखें, इसमें आपको भविष्य के भारत की शानदार नया तस्वीर दिखेगा और इसके लिए आप ठीक ढंग से आप काम कर सकते हो। I'm thankful to the Congress President for releasing the Congress Manifesto for the 2024 elections. Earlier, the draft Congress Manifesto was thoroughly discussed in the Congress Working Committee. The recommendations of the members of the Congress Working Committee were taken into consideration. And with the final approval of the Congress President, some changes were made to the draft manifesto. And what we have today is the final manifesto approved by the Congress Working Committee and the Congress President. The broad theme of the manifesto is justice. Every aspect of justice has been threatened, weakened, diminished, and in some cases denied in the last 10 years.
especially in the last 5 years. Members of the media will recall that in 2019, we had warned of what is likely to happen between 2019 and 24 should the BJP come back to power. We were not soothsayers, but we were active workers on the ground who could sense what was happening in this country. I'm sorry to report that what we had predicted in 2019 has come to pass in 2024. We had said institutions will be diminished or captured. That has happened. We had said freedom will be restricted, and that has happened. We had said that the weaker sections of the people will be denied their rights and their privileges. That has happened. We had said that Parliament will be diminished. That has happened. We had said that we will inexorably move towards an autocracy. We are already described as an electoral autocracy by many, many thinkers of the world. That has happened. While we are unhappy that what we had predicted has happened, we have in this manifesto suggested bold measures to reverse the damage that has happened in the last 5 to 10 years. The overall theme of the Congress manifesto is three powerful words: work, wealth, and welfare. I shan't take long. I'll explain each word in one sentence. Work means we must create jobs. If anybody had any doubt, read the report of the ILO that was released 10 to 15 days ago. The government came up with a lame defense through the chief economic advisor, but the defense only made it worse. The ILO report shows that unemployment has assumed monstrous proportions in this country. Yesterday, the media carried a report that 30% of the outgoing class in the Indian Institutes of Technology, the premier institutions of our country, are unemployed. They have not been placed. Jobs, jobs, jobs is a cry everywhere in India. Work encapsulates that section on work. The sections on work encapsulates what we will do to create jobs. The second is wealth. Wealth must be created before it is distributed. On the contrary, the 5 years of the Modi government shows that wages have been stagnant in this country. The average income of the bottom 50% has either remained stagnant or diminished or decreased for the bottom percentiles. We have to create wealth, and that can only be created by growth. The UPA government delivered 8.5% growth in its first term, 2004 to 2009. And over a 10-year period, Dr. Manmohan Singh's government had delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures made it 6.7%. But over the last 10 years, the average growth is only 5.8%, and if you count the year that ended on 31st March, given the inflated figures, it will still be 5.9%. The difference between 7.5 and 5.9 may appear to be trivial, 1.6%,
But it's not a trivial difference. It is a difference that makes between a moderately slowing economy and a robust economy. So the second broad theme is wealth. We have to create wealth, which means we must have investment, capital investment, private investment, government investment, and foreign investment. Once we create jobs, and once we set in motion policies that will create wealth, this country will go back to the high growth path of the UPA governments. The third section, which addresses many aspects of justice, is welfare. So work, creating wealth, which results in welfare. The welfare of whom? I have always accused the BJP government, the Modi government, is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government is driven only by the interests of the top 1% of this country. But we have to look at the bottom 50%. The bottom of the pyramid, the bottom 50% is as important as those who are well off. And the bottom 50%, as we go down the ladder, the bottom 20% are extremely poor. It has been estimated that 23 crore people are still poor in this country. UPA government lifted 24 crore people out of poverty, and we promise that if the Congress or a Congress-led government comes to power in 2024, we will lift 23 crore people out of poverty in the next 10 years. That's possible, it's doable, and I conclude by saying that Congress has done it before and we can do it again. I appeal to all of you to spread the message of this manifesto to the nook and corner of this country and ask the people to vote for the hand symbol and to vote for all our allied parties throughout this country. Thank you.